गाइस पठान मूवी जितना कलेक्शन कर लिया गाइस वही अनस्टॉपेबल 1050 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और पठान मूवी को चाइना, बांग्लादेश, जापान और लैटिन अमेरिका भी रिलीज किया जा रहा है। गाइस क्या ही बोलो, पठान मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में हमको तहलका मचाती हुई नजर आ रही है। गाइस पठान मूवी ने चाइना में इतिहास रच दिया है। गाइस दंगल मूवी ने चाइना से 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था और पठान मूवी ने फिर से चाइना में एक बड़े आंकड़े को क्रॉस कर दिया। गाइस अगर बात करें पठान मूवी ओवरसीज ग्रास में पहले से काफी बड़ी हमको प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और अब चाइना और बांग्लादेश में पठान को रिलीज कर दिया गया है। गाइस पठान मूवी को वर्ल्ड वाइड इंडिया सिनेमा में रिलीज हुए 70 दिन कंप्लीट होने वाले। अगर बात करें शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी की जवान जो शूटिंग वो 21 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगी। इस जवान मूवी के केवल 2 सॉन्ग शूट करने रहते हो, कुछ कॉम्बो सीन शूट करने रहते हो, जवान मूवी का सेट रेडी है और गाइस आपको 21 अप्रैल को जवान मूवी का टीजर ऑफिशियल पोस्टर और 2-3 सॉन्ग्स भी देखने को मिलेंगे। गाइस अगर आप लोग शाहरुख खान के फैन हो तो फिर आपका जवान मूवी के लिए एक्साइटेड होना तो बनता ही है, क्योंकि पठान मूवी के बाद जवान मूवी बॉक्स ऑफिस पे सोनामी लेकर 2000 करोड़ का बॉलीवुड में कलेक्शन करने वाली है। बॉक्स ऑफिस की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को जवान मूवी पानी की तरह बहा के अपने साथ ले जाएगी। अगर आप लोग शाहरुख खान को दिल से प्यार करते हो फिर ऑफकोर्स आप इस वीडियो को दिल से लाइक करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे। अगर बात करें पठान मूवी के अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो गाइस आज पठान मूवी को बहुत बड़ा आंकड़े को क्रॉस कर दिया। पठान मूवी को इंडियन सिनेमा में रिलीज हुए 2.5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। गाइस पठान मूवी वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन कर चुकी है। अगर बात करें अब तक पठान मूवी 524 करोड़ और 67 लाख हिंदी बेल्ट में कलेक्शन किया है। अगर बात करें पठान मूवी ने इंडिया ऑल लैंग्वेज में 543 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन किया, जिसमें 18 करोड़ 65 लाख तेमिल, तंगन, मलन और कन्नड़ से पठान मूवी ने कलेक्शन किया है। और गाइस पठान मूवी का डोमेस्टिक ग्राहक 657 करोड़ चुका और ओवरसीज ग्राहक पठान मूवी ने अब तक बाहर की कंट्री से अदर कंट्री में 22 विदेशों में 392 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया है। और अगर ओवरसीज ग्राहक को US डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो पठान मूवी 47 मिलियन US डॉलर कमा चुकी है बाहर की कंट्री से और वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़ का हिस्टोरिकल कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करें पठान मूवी चाइना से कितना कलेक्शन करेगी इसकी रिपोर्ट कल या परसों के दिन आएगी। अब तक पठान मूवी वर्ल्ड वाइड में 2023 में जो टॉप 10 मूवी रिलीज हुई थी उनमें नंबर 10th पे जिसने 129 मिलियन US डॉलर कमा के 2023 का नंबर 10th हासिल कर लिया है। इससे पहले इंडिया और साउथ इंडस्ट्री की कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं थी जो वर्ल्ड वाइड में नंबर 10th या 9th हासिल कर सकी हो। गाइस अगर बात करें KGF चैप्टर 1 ने हिंदी बेल्ट में 44 करोड़ का कलेक्शन किया था, KGF चैप्टर 2 ने इंडिया लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में 434 करोड़ का कलेक्शन किया था, ठीक हो गया। फिर बाहुबली 1 ने हिंदी लैंग्वेज में 118 करोड़ का कलेक्शन किया था, बाहुबली 2 ने हिंदी लैंग्वेज में ऑल टाइम 105 दिनों के अंदर 511 करोड़ का कलेक्शन किया था। गाइस अगर बात करें पठान मूवी ने केवल 38 दिन के अंदर 520 करोड़ का हिंदी कलेक्शन करके केवल हिंदी लैंग्वेज में बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2 बड़ी बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी के हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। आप लोग सोचो गाइस पठान केवल पठान वर्जन 1 ने हिंदी बेल्ट में 520 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। गाइस अगर पठान 2 रिलीज होती है तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे क्या सोनामी लेगी। वैसे गाइस आपका पठान 2 के लिए कोई ऑप्शन है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना। गाइस अगर बात करें पठान में काफ़ी बड़े हमको अभी भी कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। शाहरुख खान बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार जिसकी पठान मूवी ने पहले दिन 57 करोड़ का हिंदी बेल्ट में ओपनिंग लिया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड KGF चैप्टर 2 के पास था, KGF चैप्टर 2 पहले दिन 53 करोड़ का रिकॉर्ड अपने अपने नाम किया था। गाइस अगर बात करें शाहरुख खान की मूवी पठान ने मान लो शाहरुख खान का फ्यूचर ही बदल के रख दिया है। इससे पहले शाहरुख खान की कोई भी एक ऐसी मूवी थी नहीं जिसने इंडिया से केवल 300 करोड़ का कलेक्शन किया हो या 400 या 500 करोड़ का कलेक्शन किया हो। शाहरुख खान की मूवी पठान पहली मूवी जिसने इंडिया से 540 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और चेन्नई एक्सप्रेस ज्यादा 227 करोड़ का कलेक्शन किया था। मान लो शाहरुख खान की मूवी पठान ने शाहरुख खान का दिन ही बदल के रख दिया है। गाइस मैं आपको कन्फर्म करता हूँ शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान बॉक्स ऑफिस में इंडिया में 500 करोड़ का 100% कलेक्शन करेगी और डंकी मूवी इंडिया से 500 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। और गाइस इन तीनों मूवी रिलीज होने के बाद शाहरुख खान इंडिया का पहला सुपरस्टार होगा जिसकी तीन मूवीज ऐसी होंगी जिन्होंने इंडिया से 300 करोड़ का कलेक्शन किया होगा। अब से पहले बर्मास की सेवल 3 मूवी जिन्होंने इंडिया से 300 करोड़ का कलेक्शन किया है और सलमान खान की भी 3 मूवी। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।